सोना चांदी का मसला है, जिसमें जो घर की बहू थी सिद्रा बीवी, उसका अपनी सास जो है प्रवीण बीवी के साथ एक छोटी सी बात से घर में झगड़ा हुआ और उसने अपने बाप को और भाइयों को कॉल करके बुलाया कि मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस पे जो वो खातून थी उसके माँ बाप और उनका बेटा जो है वो मौके पे आते हैं यहाँ पे सैदपुर विलेज में। वहाँ पे बात जो है वो बढ़ जाती है और वो जो वहाँ पे उसकी फैमिली आई होती है वो फायर करके जो शराज और शहबाज हैं इन दोनों को ज़ख्मी कर देते हैं। शहबाज जो है वो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है वो जा बैक हो जाता है, जबकि जो शराज है जिसकी ये सिद्रा बीबी वाइफ है वो ज़ख्मी है और अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन अभी उसकी हालत जो है वो काफ़ी स्टेबल है और ख़तरे से बाहर। पुलिस ने फौरन जो है हमने इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट किया, हमने उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, टेक्निकल सोर्सेज से वेरीफाई किया कि उनकी मूवमेंट क्या है और इमीडिएटली SHO और इसके साथ जो है शहजाद DSI और कांस्टेबल हजरात जो हैं हमारे थाने के आज़ाद और अदर मेम्बर जो हैं इनको फौरन हमने रवाना किया उन मुलजमान के पीछे जिन्होंने ये कार्रवाई सर अंजाम दी। विदेशी और जो है हमारी टीम ने रिस्पॉन्ड किया, वो मौके पे पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने ये चारों अक्यूज जो हैं मियाँ बीवी साजिद, उसकी वाइफ जो है वो रुबीना और वकार और असद, ये चारों जो हैं वो उनको फौरन गिरफ्तार किया और वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिससे ये मर्डर कमिट हुआ है और जो शराब है वो ज़ख्मी हुआ है वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो मजलूम हैं और जो अक्यूज्ड हैं इनकी जो दोनों की वालदा है वो आपस में सगी बहनें हैं और ये जो शराज है और दूसरी साइड से असद जो है ये दोनों के घर में एक दूसरे की बहन का रिश्ता हुआ है जिसे बट्टे सट्टे का रिश्ता कहते हैं और ये वो नाचाकी थी जो काफ़ी अरसे से इनकी फैमिली के अंदर चल रही थी और उसके अंदर ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँची कि